वेलकम टू अनी फैशन। पिछले एपिसोड में हमने आपको फ्रंट चार्ट सूट की कटिंग दिखाई थी। इस एपिसोड में हम फ्रंट चार्ट सूट की सिलाई दिखाएंगे। सबसे पहले हमने ये अस्तर बैठाया है तीरे पे सिलाई लगा करके। ये पूरा ये हमारा बैक साइड का है, साइड जोड़ बैठाते हुए। और ये हमारा फ्रंट, सबसे पहले हमने ये बीच सेंटर पे सिलाई लगा करके पूरे चारों तरफ से सिलाई लगा करके, और जितना ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमने कटिंग कर दी है। ये सब साइड, फिर उसके बाद हम नीचे ये इतना 3 इंच फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। ये हमारी साइड की कली है, इसमें हम अस्तर इस तरीके से इसके ऊपर रख करके बैठा करके सिलाई लगाएंगे इस तरीके से चारों तरफ बराबर से अस्तर बैठाते हुए। पूरा नीचे तक फिर उसके बाद अब हम इस तरफ से सिलाई लगा करके अस्तर बैठा लेंगे इस तरीके से। अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा भी है, ये हमने बैठा लिया है एक्स्ट्रा कपड़ा। अब हम इसको ये 3 इंच नीचे फोल्ड करेंगे और ये एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे। बराबर अस्तर के बराबर इस तरीके से अस्तर के बराबर कटिंग कर लेंगे। फिर उसके बाद हम ये कली इस तरीके से इसके ऊपर रख करके ऐसे सिलाई लगाएंगे एक पैर की, पूरे नीचे तक एक पैर की सिलाई लगाते हुए कली को जोड़ते हुए इस तरीके से। ये हमने एक पैर की सिलाई लगाई है। पूरा नीचे तक बैठाते हुए बराबर करते हुए ये हमने चाक का निशान लगाया है। ये हमने फ्रंट चाक का निशान लगा करके इस तरीके से हमने इसे बैठा दिया है कली को। ये हमने चाक इस तरीके से इसमें, और फिर उसके बाद दूसरी साइड की कली इस तरीके से इसको इसके ऊपर रख करके बराबर एक पैर की सिलाई लगा लेंगे नीचे तक। ये हम नीचे तक सिलाई लगाते हुए ये हमने नीचे तक सिलाई लगाई, फिर उसके बाद ये चाक का निशान लगा लिया है दूसरी साइड नाप करके। अब ये हमारा फ्रंट पल्ला है, ये हमने दोनों कलियां जोड़ दी है इस तरीके से। ये हमारी कलियां हैं और फिर उसके बाद और ये
ये हमारा चाक है दोनों साइड के, इस तरीके से इसको अंदर फोल्ड होंगे ये। ये हमारे दोनों चाक, फिर उसके बाद बारीक मोड़ते हुए पूरा ऊपर तक इस तरीके से मोड़ते हुए सिलाई लगाते हुए ये हमने ऊपर तक सिलाई लगा रहे लगा लगा दी है। फिर उसके बाद इसको इस तरीके से घुमा करके इसको अंदर कपड़े को फोल्ड करके फिर उसके बाद इस तरीके से घुमा लिया और नीचे तक बारीक फोल्ड करते हुए सिलाई लगाते हुए ये पूरा नीचे तक हमने ये फोल्ड कर दिया है। फिर उसके बाद अब हम ये दूसरी साइड का भी चाक इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे जैसे हमने पहले वाला करा है। इस तरीके से पूरा ऊपर तक मोड़ते हुए अब हम इस तरीके से इसको चाक घुमा करके इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे बारीक मोड़ते हुए। ये नीचे तक पूरा बराबर हमने ये मोड़ लिया है। ये हमारा फ्रंट पल्ला तैयार हो गया है। ये हमने चाक मोड़ लिए हैं, ये दोनों चाक। फिर ये अब हम तीरे को इस तरीके से बराबर मिला करके गले के लिए सेंटर बना लेंगे। बराबर बैठा लिया है। फिर उसके बाद अब हम गले की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच इस तरीके से। फिर उसके बाद हमने ये 2.5 इंच पे निशान लगा लिया और फिर उसके बाद इस निशान से इस तरीके से कट लगा लिया है। अब हमने ये बुकरम ली है, ये हमारी बुकरम है। इस तरीके से इसको बैठा करके अब हम गले की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच 2.5 इंच। फिर उसके बाद गले की लंबाई रखेंगे, हमारी लंबाई है गले की 7.5 इंच है तो हम 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। फिर उसके बाद इस तरीके से हम निशान लगा करके 2.5 इंच पे इस तरीके से बराबर ऊपर से निशान लगा लेंगे। अब हम गले की शेप देंगे, ये हमारी गले की शेप है स्वीट हार्ट। अब हम कटिंग कर रहे हैं निशान के बराबर इस तरीके से। अब हम ये साइड काटते हुए बराबर से, ये हमारी गले की शेप बराबर कर लिया हमने। अब हम गले नापेंगे, लंबाई 7.5 इंच है तो 8 इंच पे निशान लगा लेंगे और जितना ये ऊपर से एक्स्ट्रा है इसको काट लेंगे इस तरीके से। अब हम ये हमारी गले की शेप स्वीट हार्ट। अब ये हमारा कपड़ा है, इसके ऊपर हम इसको इस तरीके से बैठा लेंगे। इस तरीके से हम कपड़े पे रख करके गले को बीच में बुकरम के सिलाई लगा लेंगे। और पहले भी हमने दिखाया है कैसे गला बैठाया जाता है कपड़े पे। इस तरीके से
फिर उसके बाद हमने ये गला बैठा लिया है और इस तरीके से बराबर मिलाते हुए बीच गले के सेंटर पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद ये हमने गले के बीच में काट दिया है थोड़ा सा कपड़ा इस तरीके से। ये हमने बैठा लिया है कपड़े के ऊपर गला। अब हम ये हमारा फ्रंट पल्ला है जो हमने ये कट लगाया हुआ है पौने थान ये दोनों, और इसी कट से हम इस तरीके से इसको इस पे गले को बैठा लेंगे। बुकरम के नीचे नीचे साइड साइड में सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। ये हमने गला एक साइड से बैठा दिया, फिर उसके बाद इस तरीके से दूसरी साइड भी बुकरम के नीचे बराबर सिलाई लगा लेंगे। ये हमने गला बैठा लिया है। अब फिर उसके बाद ये हमारा सेंटर है। अब ये गले का सेंटर मिला करके इस तरीके से अब हम बीच सेंटर से इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। और फिर उसके बाद जैसे जैसे हमने ये गले की शेप दी है इसी तरीके से किनारे किनारे सिलाई लगाते हुए पूरा गला इसी तरीके से बैठा लेंगे। फिर उसके बाद ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम दूसरी साइड से इसी तरीके से दूसरी साइड से भी सिलाई लगा लेंगे बुकरम के नीचे नीचे। ध्यान रहे कि बुकरम के ऊपर सिलाई ना लगे, साइड में ही लगे। बुकरम के नीचे नीचे सिलाई लगा ली है हमने। अब हम इसकी अब हम कटिंग करेंगे। एक पैर का मार्जिन छोड़ करके बराबर कटिंग कर लेंगे। ये कोने पे हल्का हल्का कट लगा लेंगे, ये ध्यान रहे कि सिलाई ना कटे। फिर उसके बाद हम इसको इस तरीके से बुकरम इस तरीके से अंदर मोड़ फोल्ड करके किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। ये पूरे किनारे पे सिलाई लगाते हुए पूरे गले पे ये हमने किनारे पे सिलाई लगाई है। पूरे गले पे इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से बराबर से सिलाई लगाते हुए ये हमने सिलाई लगा ली है। ये हमारा गला फ्रंट पल्ले का तैयार हो गया। ये हमारा गला तैयार हो गया है फ्रंट पल्ले का। अब हम बैक पल्ले को इस तरीके से जैसे हमने आगे का फ्रंट पल्ले का तीरा बराबर करके सेंटर बनाया था इसी तरीके से अब हम बैक पल्ले को भी इसी तरीके से सेंटर बना लेंगे तीरे को बराबर मिलाते हुए इस तरीके से। अब हम फ्रंट पल्ले के तीरे को इसके ऊपर रख करके और फिर उसके बाद निशान लगा लेंगे थोड़ा सा छोड़ करके। अब हम गले का निशान लगाएंगे। गला हमारा है 5 इंच तो 5 इंच पे निशान लगा लेंगे। फिर उसके बाद गले की चौड़ाई 3.25 इंच है तो इसी तरीके से बराबर निशान लगा लेंगे। फिर उसके बाद इस तरीके से राउंड शेप दे लेंगे।
ये हमने राउंड शेप दे दी है, ये हम इस तरीके से इसको कटिंग कर लेंगे जैसे हमने शेप दे रखी है। ये हमने बैक गला की कटिंग कर ली है, ये हमारा बैक गला है। फिर उसके बाद हमने ये हमारा जो हमने काटा हुआ है ये गले के अंदर से, और फिर उसके बाद हमने ये इस तरीके से कपड़ा लिया, बराबर कर लिया, और जो हमने गले के अंदर की कटिंग निकली थी, और इसको इस तरीके से इसको इस कपड़े के ऊपर रख करके बराबर इस तरीके से, फिर उसकी हम बराबर इस कपड़े की कटिंग करेंगे। ये हमने कटिंग कर ली है, फिर उसके बाद हम ये साइड में छोड़ते हुए कपड़ा बराबर शेप दे देंगे राउंड। फिर उसके बाद ये हम बैक प्ले की पट्टी है, ये एक साइड से बारीक पूरे में सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से, बराबर से सिलाई लगाते हुए पूरे गले गले की पट्टी पे। ये हमने गले की पट्टी पे सिलाई लगा ली है। ये हमारी गले की पट्टी तैयार हो गई है। फिर उसके बाद अब हम ये हमारा बैक पल्ला है, इसको पट्टी को इस तरीके से बराबर बैठा करके सिलाई लगा लेंगे पूरे गले पे बैठाते हुए इस तरीके से, पूरे गले पे बैठाते हुए सिलाई लगा लेंगे। फिर उसके बाद अब हम कट लगा लेंगे थोड़ा थोड़ा दूरी पे। इसको इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर पट्टी के ऊपर किनारे किनारे पूरे गले पे सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से, पट्टी के ऊपर सिलाई लगाते हुए पूरा ये हमने सिलाई लगा ली है। ये हमारा बैक पल्ले का गला तैयार है। अब हम तीरा जोड़ेंगे इस तरीके से, बैक पल्ले की पट्टी बढ़ा करके आगे को इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ ऐसे ही होगा, इस तरफ भी इसी तरीके से ये पट्टी छोड़ करके बराबर बैठा करके सिलाई लगा लेंगे। ये हमने तीरे पे सिलाई लगा ली है। अब हम साइड में सिलाई लगाएंगे निशान के ऊपर, ये हमारा निशान है, बराबर बैठाते हुए ये हमने साइड में सिलाई लगाई है जैसे। अब हम 3 इंच नीचे फोल्ड के लिए इस तरीके से कट लगा करके, फिर उसके बाद बराबर 3 इंच निशान लगा लेंगे इस तरीके से, इसको फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा घेरा है, कच्ची सिलाई मारेंगे। इस तरीके से बराबर फोल्ड करते हुए, फिर उसके बाद
अब हम दूसरे पल्ले को भी इसी तरीके से फोल्ड करेंगे बराबर, ये चाक से मिला करके पूरे बराबर मिलाते हुए इस तरीके से। फिर उसके बाद इसको ऐसे फोल्ड करके ये हमने नाप लिया है, इधर भी नाप लेंगे। ये हमारी 19.5 इंच आ रहा है चाक का निशान। इस तरीके से बराबर फोल्ड करते हुए, कच्ची सिलाई लगाते हुए जहाँ जहाँ हमने कच्ची सिलाई लगाई है उस पे तुरपाई कर देंगे। इस तरीके से बराबर फोल्ड करते हुए इसको भी इस तरीके से फोल्ड कर देंगे बराबर से। ये हमने बराबर फोल्ड कर दिया है। फिर उसके बाद इस तरीके से बैक पल्ला फोल्ड कर लेंगे जैसे हमने फ्रंट पल्ले का फोल्ड करा है, नीचे का घेरा इसी तरीके से बैक पल्ले का भी। फिर उसके बाद हमने ये बराबर बैठा लिया है और घेरे का निशान लगा लेंगे 12 इंच पे। ये हमने 12 इंच पे निशान लगा लिया और ये थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा है तो कट कर लिया। ये हमारा फ्रंट पल्ला है। इस तरीके से बराबर बैठा करके ये हमने भी 12 इंच पे निशान लगा लिया है दोनों तरफ। फिर उसके बाद एक साइड से इस तरीके से चाक को मोड़ लेंगे इसी तरीके से, जैसे ये चाक मुड़ रहा है इसी तरीके से दूसरा चाक भी उसी तरीके से मुड़ेगा ऐसे फोल्ड करते हुए। इस तरीके से फोल्ड करते हुए अब हमने इस तरीके से इसको कपड़े को घुमाया और इस तरीके से हमने अंदर इसके कपड़ा फोल्ड करके घुमा लिया है। अब ये ऐसे फोल्ड करते हुए कच्ची सिलाई लगाते हुए पूरा नीचे तक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से फोल्ड करेंगे। ये हमारा दूसरी साइड का चाक है। इस तरीके से इसको भी इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे बराबर बैठा करके। ये हमारी बाजू है। अब हम इसको इस तरीके से बाजू को जॉइंट करेंगे ये बराबर मिला करके। जैसे ये बाजू जोड़ रहे हैं इसी तरीके से दूसरी बाजू भी जुड़ेगी।
ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। इसके लिए हमें सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलेगा। थैंक यू, बाय बाय।